नमस्कार मित्रों, SGL भक्ति में स्वागत है आपका। मैं हूँ बिमला देवी। मित्रों, आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है और घर घर में खांसी जुखाम का बोलबाला है, इसलिए मैंने सोचा आपको एक ऐसी दवा बता दूं जिससे आपकी 3 दिन में खांसी जुखाम मिट जाए और आप राहत की सांस लें। तो मित्रों, ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है, इसको एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना। मित्रों, अदरक का नाम तो आपने सुना ही होगा। अदरक एक गुणों से भरपूर मसाला है। सर्दी, खांसी, पाचन और सामान्य दर्द से लेकर कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों में भी इसे फायदेमंद पाया गया है। आधे से अधिक हर्बल औषधियों में भी अदरक को शामिल किया गया है। अदरक में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। अदरक को जोड़ों के दर्द में भी फायदेमंद बताया गया है और मितली आने में भी फायदेमंद बताया गया है। अदरक से भयंकर रोग मिट जाते हैं, जैसे कैंसर व शुगर। अदरक से कैंसर की दवा बीटा एलिमेंट बनाई जाती है। अदरक से अजीर्ण व भूख बढ़ती है, अजीर्ण मिटता है, भूख बढ़ती है, अनंत फायदे हैं अदरक से। हृदय रोग में भी फायदा मिलता है, यह कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अब मैं बताती हूँ कि अदरक की दवा आपको कैसे बनानी है जिससे आपकी खांसी जुखाम छूमंतर हो जाए। मित्रों, अदरक गुणों की खान है। इस तरह अदरक ले लें, एक टुकड़ा अदरक का ले लें, इतना बड़ा काफ़ी है एक बार के लिए। और इसको इसकी सहायता से थोड़ा कद्दूकस कर लें, इस प्रकार इसको छील लें और छीलकर इसमें कद्दूकस कर लें। इस प्रकार मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। अदरक को बस एक इतनी बड़ी ही लेनी है, बस ज़्यादा नहीं लेनी है। और इसको कद्दूकस कर लें। अब एक भगोनी ले लें, कुछ भी पतीला ले लें एक, और उसमें आधा गिलास पानी कर दें। ये आधा गिलास पानी है, अब इसमें डाल दें और अदरक को भी इसमें डाल दें। अदरक को डाल दें। अब गैस का चूल्हा चालू कर दें, गैस चालू कर दें। अब इसको पानी को उबलने दें। पानी में उबाल ले लें और थोड़ा इसको अच्छी तरह अदरक का रस निकल जाए इसमें पानी में, और एक कप रह जाए इतना इसको उबाल लें। पानी में हमारे अच्छी तरह उबाल आ गया है और पानी थोड़ा कम हो गया है। इस प्रकार इस अदरक को पानी में खूब उबाल लें। अब ये इसमें खूब उबाल आ गया है। अब इसको हम गिलास में छान लेंगे। अब इसको गिलास में छान लेंगे। और इसमें आधा नींबू निचोड़ लेंगे। ध्यान रखें कि नींबू को नीचे उतार के ही निचोड़ें, ऊपर खोलते हुए में नींबू नहीं निचोड़ें। ऊपर खोलते हुए में अगर नींबू निचोड़ दिया तो उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीचे उतार के ही नींबू को निचोड़ें और इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लें। काला नमक डाल दें इसको और इसको घोल लें। अब ये जुखाम खांसी के लिए अमृत है। इसको चाय की तरह धीरे धीरे पिएं चुस्की ले लेके, और दिन में 3 बार पिएं।
इससे ठंड, जुखाम, खांसी ऐसे छुमंतर हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं, और संग में अन्य रोग भी नष्ट हो जाएंगे, जैसे भूख ना लगना। अगर आपको भूख नहीं लगती हो तो भूख लगने लग जाएगी, और यदि आपके मधुमेह है, शुगर है, तो शुगर भी इससे ख़त्म हो जाएगी। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर भी इससे ख़त्म हो जाएगा, और यदि आपके जोड़ों में दर्द है तो उसमें भी आपके इससे फ़ायदा होगा। ये अदरक गुणों की खान है। अदरक में इतने गुण हैं कि आपको गिना नहीं सकती मैं। इससे अच्छे अच्छे कैंसर की दवा भी इससे बनती है, जोड़ों के दर्द की दवा भी इससे बनती है। इसलिए आप इस दवा को दिन में 3 बार ज़रूर लें। 3 दिन लें, आपको 1 दिन में ही काफ़ी फ़ायदा दिख जाएगा, तो आप ज़रूर लेंगे। और इसको लेने से बहुत सारी आपकी बीमारियां भी साथ में मिट जाएंगी, इसलिए आप इसको ज़रूर लें। मेरा ये अजमाया हुआ नुस्खा है। मेरे भी जुखाम खांसी हुई थी, लेकिन मेरी कोई भी अंग्रेजी या देसी कोई भी दवाई से मेरी जुखाम खांसी नहीं मिटी थी। फिर मैंने ये इस प्रकार अदरक को उबाल के, आधा नींबू निचोड़ के, काला नमक डाल के पिया, दिन में 3 बार पिया, तो इससे मेरी ठंड, जुखाम, खांसी सब गायब हो गई, और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरी छाती में कफ जम गया था, लेकिन इससे सारी चीज़ें सही हो गई। और यदि आप डाल सको तो नाक में देसी घी या सरसों का तेल भी डाला करें, उससे और भी जल्दी आपके फायदा होगा। और इसको ज़रूर लें, और यदि आपके फ़ायदा हो जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर उसके थोड़ा सा भी आपके फ़ायदा हो तो मेरे इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार। जय माता की।